वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, छात्रों और कोचिंग सेंटर संचालकों पर हुआ केस दर्ज। तो प्यारे साथियों, ये किस प्रकार का केस दर्ज हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, सीईटी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का हमने स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू कर रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं, अलग से इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्यारे साथियों, अपडेट किस प्रकार से, आप इसको यहाँ पे इजिली चेकआउट कर सकते हैं। रोजगार के लिए प्रदर्शन करने वाले 600 छात्रों पर मुकदमा, कई कोचिंग संचालकों पर भी केस, 4 जनवरी को हुआ था प्रदर्शन। प्रयागराज गोविंदपुर में 4 जनवरी को रोजगार के लिए प्रदर्शन करने वाले तकरीबन 600 छात्रों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। कई कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। छात्रों के खिलाफ बलवा और महामारी एक्ट के साथ 7 क्रिमिनल लॉ अटेम्प्ट एक्ट जैसी धाराएं भी लगाई गई। कौन कौन सी धारा लगाई गई प्यारे साथियों, आप इसको यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। 143 गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा करना, 149 जन समूह द्वारा जानबूझकर अपराध करना, 188 सरकार के बनाए नियमों को तोड़ना। इस प्रकार से प्यारे साथियों, काफी प्रकार की इन पे धाराएं लगा दी गई हैं। और ये धाराएं क्यों लगाई हैं साथियों, इसका कारण आप यहाँ पे इजीली समझ गए। तो इन सभी कंडीशन के कारण इन सभी पे ये मुकदमा दर्ज किया गया, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट थी, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।